And this shocking story is now coming in from Uttar Pradesh. A businessman travels to Gorakhpur, stays in a hotel, and suddenly there is a police raid. There allegedly is some beating that takes place. According to the police, the man falls, and then a few minutes later, he's dead. The family is demanding justice. The family is calling this a murder. Is this a case of police brutality in Yogi Adityanath's government in the state of UP? Take a look. The mysterious death of a 38-year-old businessman. The Kanpur-based businessman died in a hotel room at Gorakhpur. Manish Gupta's death triggered a political storm in poll-bound Uttar Pradesh. Gupta had checked into this hotel room in the early hours on Tuesday. Hours later, he was declared dead at a hospital. This was soon after local police conducted a surprise check at the hotel. Police say they were on the lookout for suspicious persons and Gupta was found under the influence of alcohol, claiming he died after sustaining head injury in a fall. कमरे में तीन युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे. इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई. दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर उसका इलाज हुआ. BRD में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई. But Gupta's family insists it's murder. His wife accused the Gorakhpur police of brutally assaulting her husband, which resulted in his death. सरकार के किसी आदमी ने ऑन ड्यूटी कत्ल किया है. प्रॉपर ये हत्या है. गिरफ्तारी नहीं हुई है. हमने डिमांड करी थी, हुई नहीं है. हमने ये भी डिमांड करी थी कि जो उस समय मौके में पुलिस गई थी, 6 लोग, वो ड्रिंक कर रहे थे, तब उन्होंने मेरे पति को मारा है. मुझे ये सूचना मिला तो मैंने कहा था अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर हो जाता है. कहते हैं ऐसा तो कोई टेस्ट ही नहीं हो पाता है, 24 घंटे के अंदर कोई नहीं पता कर पाता, वो तो उसी समय ऑन द स्पॉट होता है. 6 पुलिसमैन इंक्लूडिंग द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द रामगढ़ ताल हैव बीन सस्पेंडेड. एन FIR हैज बीन लॉज्ड एंड अ केस ऑफ मर्डर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पुलिस. पुलिस वालों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और तत्काल इसमें FIR पंजीकृत किया गया उचित धाराओं में 302 में, और पूर्व में ही 6 लोगों को स्थानीय स्तर से निलंबित कर दिया गया. जिस तरह के रिकॉर्ड्स होंगे या जो जांच के दौरान जो भी चीज़ें निखर के आएंगी, उभर के आएंगी, उस हिसाब से ही फिर कार्रवाई होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट पॉइंट्स आउट 4 सीरियस इंजरी मार्क्स ऑन द विक्टिम्स बॉडी. Another 5 centimeter injury in the middle of the head, along with bruise marks from sticks on his right wrist. Apart from beating marks on his right arm, the postmortem also found injuries to the upper part of the left eye. वो चोट आई है तो किन कारणों से आई है, किस चीज से इतनी चोट आ गई कि कोई गिरने से जिसकी मृत्यु हो जाए, तो इन सभी पहलुओं पे जैसे कोई बुलेट इंजरी नहीं है, गिरने की ही है, तो अन्य कितनी इंजरीज ऐसी हैं, तो ये सभी चीज़ों का चूंकि वीडियोग्राफी भी हुआ है पैनल के द्वारा, लोगों के द्वारा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है, तो सभी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मेट द विक्टिम्स फैमिली एंड अश्योर्ड देम दैट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल. ही ऑल्सो अनाउंस्ड अ 10 लाख रुपी एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द नेक्स्ट ऑफ किन. Opposition leaders, including Mayawati and Priyanka Gandhi Vadra, targeted the Yogi Adityanath government. Ruckus broke out between BJP and Samajwadi Party workers when Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav visited the family and demanded a judicial inquiry. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है. उत्तर प्रदेश में ऐसा पुलिस का व्यवहार
किसी सरकार में देखने को नहीं मिला होगा। Amidst politics, the question remains, will the Gupta family get justice? With Kumar Abhishek, Bureau Report, India Today.